और अब खबर आ रही है पंजाब से, जाके मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र लंबी में एक रैली के दौरान जूता फेंक दिया गया। जिस वक्त ये घटना हो रही थी वो अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव में एक रैली कर रहे थे। पुलिस ने जूता फेंकने वाले शख्स को हिरासत में लिया है। प्रकाश सिंह बादल पिछले 3 दिन से अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सीएम प्रकाश सिंह बादल कह रहे हैं पुलिस इस मामले की जांच कर रही। पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि बादल परिवार को वोट के जरिए जवाब दें, ना कि जूते के जरिए। मैनू जो पता लगा है जनाले वाला, ये तो पुलिस वाले दसन के मैं नहीं कुछ कहना, मैं कुछ नहीं कहना। पता नहीं की गल सी, पुलिस वाले देखेंगे की गल लगनी। मैंने तो किसी के खिलाफ नहीं, पिंड सारा ना साडा मदा ही है, लेकिन वो क्योंकि वो उन्होंने तलक तुम जानते हो सारा, तो वो पता नहीं की कंस्पिरेसी है की नहीं। वो तो देखिए, मैं इसके हक में नहीं हूँ कि किसी को मारो या पिटाई करो, कानून तोड़ो, लेकिन ये गुस्सा है लोगों के अंदर भरा हुआ। 10 साल से तकरीबन 5 लाख पर्चे हुए हैं पंजाब में हमारे बच्चों के ऊपर, तो वो बच्चों को आप समझते हैं कि गुस्सा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चे वो गुस्सा बैलेट में निकालें। जो गुस्सा है ज़रूर निकालो, मैं भी, मेरा मुझे भी उनके साथ बहुत गुस्सा है, लेकिन बैलेट में।